Hello friends, welcome to my channel Food Artist and this is Tasneem Khushal. Today I am going to teach you how to make a rumali roti. Now the general conception is that rumali roti maide se banai jati hai. We know that rumali roti or shayad ise double roti bhi kehte hain, it separates out into two. अब लोगों को नॉर्मली ये सवाल होता है कि ये दो अलग अलग कैसे हो जाती है और फिर इसे मैदे से बनाते हैं तो ये खाने में इतनी पौष्टिक नहीं होती, हानिकारक होती है. तो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू मेक दिस रुमाली रोटी एट होम यूजिंग व्हीट फ्लावर. हाँ सही सुना आपने, हम गेहूं के आटे से रुमाली रोटी बनाएंगे और इसमें तेल भी इतना कम लगाया जाता है कि ये रोटी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है. आप रोज इसे यूज कर सकते हैं. सो देखते हैं कि रुमाली रोटी कैसे बनाई जाए. रुमाली रोटी बनाने के लिए हम सिर्फ इन तीन चीज़ों का उपयोग करेंगे. दिस इज व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा, सॉल्ट, नमक एंड पानी. आप देखें कि यहाँ पर कोई ऑयल नहीं है. आई एम नॉट यूजिंग एनी ऑयल वाइल नीडिंग द डो. लेट अस नीड द डो. आई एड सॉल्ट, स्वादानुसार हम अपना सॉल्ट डाल दें इसमें एंड वाटर. जैसे हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं उस तरह से आप आटा गूंथ लें. आटा गूंदने की कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, जो नॉर्मली हम आटा गूंदते हैं हर रोज उसी तरह आपको आटा गूंदना है. उतना ही सॉफ्ट जितना कि आप पराठे या फुलकों के लिए बनाते हैं. ये रोटियां इतनी सॉफ्ट बनती है कि बच्चों को भी इसे खाने में बड़ा मजा आता है. सो आवर डो इज रेडी. ये तैयार है और आपने देखा कि मैंने इसके लिए एंड में भी कोई ऑयल नहीं लगाया है. इसे ऐसे ही हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे. 10 मिनट हो गए और अब हमारा आटा रेडी है. वी विल टेक दिस. नाउ आई एम गोइंग टू यूज अ लिटिल ऑफ ऑयल. और इसको हम छोटे छोटे बॉल्स में तोड़ लेते हैं. अब हमें दो बॉल को मिलाकर रोटी बनानी है. तब तक हम गैस चालू कर देते हैं, हमारा तवा गर्म हो जाएगा. पहले हम इसको व्हीट फ्लावर में डस्ट करेंगे और थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, थोड़ा बीच में ऑयल. इससे हमने इसको स्प्रेड किया, फिर से हमने इसको पाउडर में डिप करके इसके ऊपर चिपका दिया. हम इसको रेगुलर रोटी की तरह बेल लेंगे. इसे हम और बड़ा बेल करेंगे, जितना हम पतला बना सकते हैं उसे बनाना है. ये देखिए काफी पतली हो गई है. अब हम देखते हैं कि इसे सेका कैसे जाता है. तो मैंने जैसे कि आपको कहा था, पहले तवा हमने गरम कर लिया है. तवा अच्छा गर्म होना चाहिए और फिर इस पर ये रोटी मैंने डाल दी है. इसे एक तरफ से पहले सेकना है, फिर दूसरी तरफ,
इसे हम आज ही करके सीखेंगे। दोनों साइड से देखिए ऐसे फूल जाएगी, चारों तरफ से इसे सेकना है। एक तरफ से हो गई है, अब दूसरी साइड से पतली होने की वजह से ये सिकती भी जल्दी है। अब हमारी रोटी सिक गई है, इसे थोड़ा बीट करके हम इसे दो पार्ट में इस तरह से अलग करें। तो इस तरह हमने सारी रोटियां बना ली है। एंड इफ यू सी दिस, ये रोटियां इतनी पतली और सॉफ्ट होती हैं कि दे आर वेरी इजी टू चू। चिल्ड्रन ऑल्सो लव ईटिंग दिस चपातीस एज इट डजंट गो हार्ड ऑन देयर चूइंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज के दिस इज मेड फ्रॉम व्हीट फ्लावर, ये गेहूं से बनी हुई है। सो यू कैन मेक इट ऑन डेली बेसिस, ईजी टू मेक, एंड यू कैन मेक इट इन द मॉर्निंग एंड ईट इट इन द इवनिंग एज वेल। सो दिन में एक बार बना के आप दोनों टाइम खा सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस आइडिया, डू ट्राई इट वंस। थैंक यू वेरी मच।